शाजापुर बेरछा रोड के समीप एक निजी गार्डन के पास चाइना की डोर से बाइक सवार युवक का गला कट गया। आपको बता दें कि शाजापुर के डासी में रहने वाले शानू जो कि वेल्डिंग का काम करते हैं, वो अपने काम से मोटरसाइकिल से शाजापुर से बेरछा की ओर जा रहे थे। तभी बेरछा रोड एक निजी गार्डन के समीप चाइना की डोर उनके सामने आ गई और ये हादसा हो गया। इतना भयानक हादसा हुआ कि युवक खून से लथपथ हो गया। वहीं लोगों की मदद से घायल को तत्काल जिला चिकित्सालय शाजापुर में लाया गया, जहां पर डॉक्टर तेजपाल सिंह और डॉक्टर इमरान खान के द्वारा तत्काल मरीज का जिला चिकित्सालय में ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई गई। वहीं डॉक्टर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मरीज का गला काफी ज्यादा कटा हुआ था, गले की नली तक गला कट चुका था, जिसके चार लेयर में मांसपेशियां तक कट चुकी थी, जिसका हमारे द्वारा ऑपरेशन कर मरीज का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। चीन उद्योग प्रतिबंध होने के बावजूद भी जिले में धड़ल्ले से बिक रही है। शाजापुर जिला प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि शाजापुर सहित पूरे देश में चाइना डोर प्रतिबंधित है, बावजूद जिला इसके कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। 50 साल का मरीज आया था जिसके गला कटा हुआ था, सांस नली तक कटी हुई थी, सांस नली का बाहरी हिस्सा कटा हुआ था, इसके चार लेयर में मांसपेशियां और नसें सब ऑपरेशन करके उसका ठीक कर दिया, ऊपर तक सिल दिया, ड्रेसिंग करके अभी भर्ती किया जिला चिकित्सा। गला चाइना रस्सी से कटा हुआ। शाजापुर से दिलीप स्वराज की रिपोर्ट।